हेलो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह पाठ एक संस्मरण के रूप में है। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के उन दिनों का वर्णन किया है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। लेखिका की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी की प्रेरणा है तो दूसरी ओर सामाजिक दायित्व का बोध। यहाँ प्रस्तुत अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनी, छात्रावास का जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के प्रसंगों का अत्यंत मार्मिक वर्णन करेंगे। कुल देवी की पूजा के उपरांत लेखिका का जन्म हुआ था। लेखिका परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई पहली लड़की थी। उनके परिवार में लड़की को पैदा होते ही स्वर्ग भेज देते थे, पर लेखिका के बाबा ने कुल देवी दुर्गा की पूजा करके लड़की मांगी थी। अतः लेखिका का जन्म होने पर उनकी बहुत आवभगत हुई। लेखिका को वर्षों से लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। लेखिका के बाबा उर्दू फारसी जानते थे, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। उस घर में हिंदी भाषा का वातावरण नहीं था। हिंदी घर में तब से प्रयोग में आने लगी जब लेखिका की माँ जबलपुर से घर में आई थी। बाबा की इच्छा थी कि लेखिका विदुषी बने। बालिका के संबंध में उनके विचार उच्च स्तर के थे। लेखिका की माँ पूजा पाठ बहुत अधिक किया करती थी। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका ने संस्कृत तो पढ़ी, पर उर्दू फारसी पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। इसके बाद लेखिका को मिशन स्कूल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। पांचवी कक्षा में उन्हें क्राथवेट स्कूल में भेज दिया गया। वहाँ का वातावरण अच्छा था। कॉलेज में हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म की लड़कियाँ भी पढ़ती थीं। छात्रावास में सब लोगों के लिए एक ही मेज थी। वहाँ खाने में प्याज तक नहीं डलती थी। छात्रावास में लेखिका को सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। वे सातवीं कक्षा में पढ़ती थी और कविता भी लिखती थी। महादेवी वर्मा को भी कविता लिखने का शौक था, परंतु वहाँ सुभद्रा से उन्होंने यह बात छुपाई। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी चोरी पकड़ ली और पूरे छात्रावास में बता दिया कि महादेवी कविता लिखती हैं। उसके पश्चात दोनों में मित्रता हो गई। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसमें इनकी तुकबंदी वाली कविताएं छप जाती थी। लेखिका और उनकी मित्र सुभद्रा दोनों विद्यालय की मैम के साथ कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी, जिनकी अध्यक्षता कभी श्रीधर पाठक, कभी हरिऔध तो कभी रत्नाकर जी करते थे। वे दोनों अपना नाम पुकारे जाने की बेसब्री से प्रतीक्षा करती थी। महादेवी वर्मा ने कवि सम्मेलनों में 100 से अधिक पदक जीते थे। एक कविता पर लेखिका को चांदी का कटोरा भी मिला था, जिसे सुभद्रा को दिखाने पर उन्होंने कहा कि उसे खीर बनाकर इस कटोरे में खिलाओ। परंतु उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। छात्राएं अपने जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन हेतु दिया करती थी। जब लेखिका उस कटोरे को महात्मा गांधी को दिखाने गई तो वह कटोरा महात्मा गांधी ने अपने पास रख लिया। लेखिका को खुशी थी कि उसने अपना कटोरा बापू को दे दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जब छात्रावास छोड़कर चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिशा लेखिका के कमरे में आकर रहने लगी। उस समय जेबुन महादेवी का अधिकांश काम कर देती थी, जिससे लेखिका को कविता लिखने के लिए थोड़ा समय मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। लेखिका ने भी जेबुन के साथ रहकर कुछ कुछ मराठी सीख ली थी। छात्रावास में एक जिनत बेगम नाम की शिक्षिका रहती थी, जो जेबुन को कभी कभी टोक देती थी, परंतु जेबुन कहती कि हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। वह मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। उस समय सांप्रदायिक भेदभाव दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता था।
अवध की लड़कियां अवधी बोलती थी और बुंदेलखंड की बुंदेली। सभी एक मेज में खाना खाते थे और सभी को हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाती थी। सब प्रार्थना में एक साथ खड़े होते तथा साथ साथ प्रार्थना बोलते थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं था। जब महादेवी नौकरी करने काशी विद्यापीठ में आईं, तब वे बचपन की एक और घटना का उल्लेख करती हैं। जिस कंपाउंड में वे रहती थीं, वहीं बंगले में एक नवाब व उनकी बेगम साहिबा रहती थी। बेगम साहिबा के कहने पर लेखिका और उनके परिवार के बच्चे उन्हें ताई साहिबा कहा करते थे। उनका एक लड़का था जो प्रतिवर्ष लेखिका से राखी बंधवाता था। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन साझे रूप में मनाए जाते थे। लेखिका के यहाँ एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा को काफ़ी प्रसन्नता हुई और वह शाम को लेखिका के छोटे भाई के लिए कपड़े लेकर आईं। ताई साहिबा ने उस बच्चे का नाम